वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, उनका नाम था मनमोहन दास। क्या नाम था? मनमोहन दास। अद्भुत महात्मा, आह क्या कहना, बहुत ऊंचे महात्मा रहते थे। उनके एक शिष्य था जिसका नाम था रामलाल। क्या नाम था? रामलाल। गुरु गोविंद दो खड़े काके बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। एक महात्मा जिनका नाम मनमोहन दास, इनका एक चेला जिसका नाम रामदास, दोनों अद्भुत महात्मा इतने सिद्ध कोटि के वन में रहते थे, वृंदावन में रहेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, राधे राधे पुकारा करेंगे, लताओं में एक झोपड़ी बनाकर, ध्यान से सुनना, बहुत बहुत भाव भरी कथा है। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, राधे राधे पुकारा करेंगे, झोपड़ी बनाकर के लताओं के बीच में रहते, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र का जाप करते रहते थे। इनका चेला रामलाल, इतना गुरुमुखी, जो गुरुदेव के मुख से निकले सो स्वीकार, आज्ञा जी निकलता, बुरा मत मानना, शायद किसी को बात सुनकर के ये पचे ना, पढ़े लिखे लोगों को कम बात पचती है, क्योंकि हमारी माता पिता और गुरु इनके मुख से जो निकले उसके आगे सिर्फ जी होना चाहिए। हम नहीं कह रहे, रामायण कह रहे, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी कीजे कार परम सुख जानी। वो तो जी निकालता, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, जो आज्ञा। गुरुदेव का नियम था कोई भोजन बनाते नहीं देखना चाहिए, इसलिए एक झोपड़ी वो भी बंद, उस झोपड़ी में चूल्हा, चूल्हे पर प्रसाद रसोई ठाकुर जी की बनती थी। रामलाल नित्य प्रसाद बनाता, गुरुदेव रोज प्रसाद पाते थे। एक बार एक घटना घटी। क्या? कुछ अंग्रेज वहां से निकले तो उन्होंने देखा कि इस झोपड़ी के अंदर से धुआं उठ रहा, जरूर कुछ होगा, तो उन अंग्रेजों ने घास फूस को थोड़ा ऐसा किया और नजर मारकर अंदर झांकना चाहा कि आखिर इसमें क्या है, तो देखा रसोई बन रही, तो अंग्रेज चले गए। गुरुजी तो भीतर गुफा में अंदर एक छोटी कुटिया में बैठकर गोविंद के गीत गा रहे थे, गोविंद का भजन कर रहे थे। गुरुदेव ने अंदर से देखा तो नाराज हो गए, बाहर निकले, रामलाल जी, जी जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, आजकल तुम बड़ा धूर्त हो गया, बड़ा लापरवाह हो गया, हमारे ठाकुर जी की रसोई को बनते हुए लोग देख रहे हैं और तुझे ख्याल भी नहीं है, भान भी नहीं है, तू सुरक्षा भी नहीं करता। गुरुदेव, गुरुदेव क्षमा करो। गुरुदेव बेचारा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, लेकिन गुरुजी को इतना क्रोध आया, एक डंडा पड़ा हुआ था जमीन में, ढाई तीन हाथ का डंडा लिया, उठाकर के डंडे की पिटाई करना प्रारंभ कर दी। इतनी पिटाई दी कि शरीर लाल हो गया, लहू लुहान हो गया, बेचारा शिथिल होकर के रामलाल गिर पड़ा। गुरुदेव ने डंडा फेंका, अंदर झोपड़ी में जाकर भगवान का कीर्तन करने लगे। रामलाल दो पांच मिनट में होश आया, शरीर को फटकारा, मुख को ठीक किया, उठा बेचारा, कोई रुष्टता नहीं कि मैं भाग जाऊं, आजकल के शिष्य होए तो हो गए गुरु जी, भाग जाते, लेकिन धन्य है रसोई उठाई, गौ माता को पवाई, फिर से गाय के गोबर से रसोई को लीपा, प्रसाद बनाया। शाम हो गई, थाली को गुरुदेव प्रसाद बन गया, पा लीजिए। गुरु जी ने भगवान श्री नंदनंदन यशोदानंदन भगवान को प्रसाद लगाया, शालिग्राम भगवान को झोपड़ी में प्रसाद लगा करके खुद भी पाया। तब तक रात हो चली,
रात हुई तो गुरुदेव भगवान लेट गए विश्राम के लिए। रामलाल गुरुदेव के चरणों को दबाने लगा। चरण दबाते 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 रामलाल की आंखों से आंसू टप से गुरुदेव के चरणों पर गिर पड़ा। गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ रामलाल, तुम रो रहे हो? अंधेरा रहता था, एक दीपक जलता था, दीपक के सहारे ही आश्रम था, छोटा सा आश्रम वृंदावन का, कोने में एकदम कुंजन के बीच में छोटा सा आश्रम, छोटा सा दीपक जल रहा, रामलाल तुम रो रहे हो? इसीलिए रो रहे कि हमने तुम्हें मारा, ज्यादा पीटा हमने, दर्द हो रहा होगा। रामलाल फबक फबक करके रोने लगा और इतने के बाद भी कहने लगा, गुरुदेव हम इसलिए नहीं रो रहे कि आपने क्यों हमें मारा, इसलिए नहीं रो रहे कि आपने क्यों पीटा, हम इसलिए रो रहे हैं कि हम कितने निकम्मे चेला हैं कि हमारे कारण आज गुरुदेव को देरी से प्रसाद प्राप्त हुआ। आह, गुरुदेव ने गले से लगा लिया। अब देखना, यहां से लीला शुरू होती है। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता, खास किसी के लिए, खास किसी के लिए ये दिल मकसूद होता है, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। गुरुदेव ने अपने गले से लगा लिया, शरीर पर हाथ फेरा, बात आई गई हो गई, रात गुजर गई, सुबह हुई, प्रातः काल परिक्रमा देने के लिए पूरे ब्रजवासी आ जाते हैं तो मनमोहन दास जी और उनका चेला रामदास भी वृंदावन की परिक्रमा देने के लिए निकलता। गुरुजी चले तो पीछे पीछे से चेला साफ मन में कीर्तन करते हुए, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि नंदलाल बोलो, कीर्तन करते 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 जैसे यमुना के किनारे पर पहुंचे तो रामलाल एक जगह जाकर लेट गया। बाकी मंडली जो थी उसने कहा, क्या हुआ रामलाल, उठो उठो, चलो चलो गुरुजी आगे जा रहे। रामलाल बोला, भैया लगता है अब नहीं हम जा पाएंगे। क्या हुआ भैया, ये बाद में पूछना, पहले जल्दी से हमारे गुरुजी को बुलाओ, लगता है अब हमारी जिंदगी के परिक्रमा पूर्ण हो। किसी ने हाथ देखा, किसी ने माथा देखा, अरे अरे इनको तो बड़ा तेज बुखार आ गया, गुरुजी को बुलाओ, गुरुजी को, गुरुजी आइए आइए आइए। गुरुजी भागे भागे आए। रामलाल क्या हुआ? गुरुदेव अब लगता है कि हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अरे कैसी बात कर दे, कुछ नहीं होना है। गुरुजी ने डांट कर कहा, नहीं गुरुदेव, गुरुदेव हमारी इच्छा अंतिम पूर्ण कर दो। हाँ हाँ, अरे तुम ऐसा मत बोलो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। गुरुदेव हमें कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे प्राण निकले तो आपके चरणों का चरणों भक्ति करके निकले। आपके चरणों का चरणों तक चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ले आओ जल लाओ। गुरुजी गए, गुरुजी को भी लगने लगा, हाँफी तेज हो गई इसकी, श्वास तेज चलने लगी, लगता है बचेगा नहीं, तो गुरुजी का मन भी बड़ा मलिन हो गया, हाथ में जल लिया। गुरुदेव मैं उठ नहीं सकता, अब आप ही मेरे नजदीक आइए। हाँ, 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 गुरुजी नजदीक गए, अपने अंगूठा को मुख तक रखा, एक शिष्य ने हाथ लगा दिया, जल डाल दिया, मुख में चरणों तक चला गया। गुरुदेव मेरी एक और अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो, फिर नहीं कहूंगा कुछ। बोलो बेटा क्या चाहते हो? गुरुजी हम चाहते हैं कि हमारे प्राण निकले तो आपके दर्शन करते करते निकले, आप हमारे सामने खड़े हो जाओ। मुझे पता है मैं धृष्टता कर रहा हूं, चरणों के नजदीक खड़ा कर रहा हूं, पर गुरुदेव मैं चाहता हूं कि आपका मुख देखते देखते मैं अपने प्राणों को त्यागूं। हाँ ठीक ठीक, गुरुजी सामने जाकर खड़े हो गए। वह रामलाल लेटा लेटा देखता है कि गुरुजी सामने खड़े हैं, लेकिन तब तक वो चिल्ला पड़ता, थोड़ा उठने का प्रयास करता, गुरुदेव
हमने आपको खड़ा होने के लिए कहा है, किसी दूसरे को नहीं। हम आपका मुख देख करके प्राण त्यागना चाहते, दूसरे का नहीं। गुरुजी ने अगल बगल देखा, यहां तो कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। अरे झूठ मत बोलो, आपके बगल में एक नन्हा सा सांवरा सा बालक खड़ा हुआ, मोर मुकुट पहने, बांसुरी हाथ में लिए हुए, हमें बुला रहा है, इनको हटाओ। गुरुदेव चिल्ला पड़े, बेटा ये कोई और नहीं, साक्षात नंद नंदन तुझे लेने आए। तब यहां पर सिद्ध हुआ, गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गुंबा, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। एक होता निज मुख, एक होता गुरु मुख। निज मुख से पतन होता, गुरु मुख से गोविंद मिलते।